क्या हो गया तुम्हें फाखर? मैंने काफी मुश्किलों से नायर को चुप करवा के लटाया है, कम से कम तुम इसी चीज का ख्याल कर लो। यार अगर वो दोबारा रोना शुरू हो जाए ना तो उसको प्लीज चुप करा देना, और अगर ये नहीं आता तो सीखो। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे लिए ना ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं जब ये रोने लग जाती है। तो यार चुप हो जाओ, मैं अभी 10 कॉलेजों से ख्वार होता हुआ आ रहा हूँ यार, बहस करने का मूड नहीं है मुझ में अभी। हाँ तो मैं भी ख्वार ही हो रही थी फाखर, मैं यहाँ पे कोई गेम नहीं खेल रही थी या फिर कोई मूवी नहीं देख रही थी, साथ साथ मैं घर के काम भी कर रही थी। मैं अभी 5 कॉलेजेस गया हूँ, हर जगह मैंने फॉर्म जाके अपना सबमिट करवाया, मुझे कोई एडमिशन नहीं दे रहा है। अजीब, कोई कह रहा है कि फॉर्म नहीं दे सकते, कोई कह रहा है एडमिशन क्लोज हो गए हैं, नेक्स्ट ईयर आए हैं। अजीब तो की बात है, मेरे साथ भी यही हो रहा है। लग रहा है मैं नहीं पढ़ सकता यार, अब मुझ में नहीं है वो। एक अहमद से कहूँगा कि भाई अब कोई जुगाड़ वगैरह लगवाए, कोई ट्रिक बताए, बस पैसे वैसे दे के मैं कोई डिग्री ले लूँगा, अच्छा है कोई भी। एक सेकेंड, क्या मतलब तुम एक फेक डिग्री लेने के बारे में सोच रहे हो? तुम लड़कों का ना यही मसला होता है, जैसे ही नाकाम होते हो वैसे ही 2 नंबर कामों में पड़ जाते हो। मेरे साथ भी फाखर वही हो रहा है ना जो तुम्हारे साथ हो रहा है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा तो नहीं। मैंने तो नहीं सोचा कि मैं किसी 2 नंबर कॉलेज में जाऊँ, वापस अपने माँ बाप के पैसे उठा के फेंक दूँ और एक फेक डिग्री हासिल करूँ। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूँ फाखर, ये जो तुम्हारे पास डिग्री आएगी ना, इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, ना ही कुछ तुम जिंदगी में कर पाओगे, क्योंकि तुम रहोगे सदा की डफर। सही, गुड लेक्चर, बहुत किसी यूनिवर्सिटी में लग जाए ना जाके। थैंक यू। अम्मा की मैं वहाँ पे ऑफिस में सुनूं, बाहर लोगों की सुनूं, दोस्तों में दोस्तों की सुनूं, घर पे आके बेगम की सुनूं, यही जिंदगी रह गई मेरी। तंग आ गया हूँ यार मैं तुम लोगों से, बस कर जाऊं।